भारत इंडस्ट्रीज़ में आग लग गई है और उसके बाद जो मज़दूर हैं वहाँ पर वो काफ़ी तोड़फोड़ कर रहे हैं और पथराव कर रहे हैं चौहान हाउस पर और नंद किशोर पर. तो भले ही हमने वो घर छोड़ दिया है बट हम अभी भी अटैच्ड हैं उसी परिवार से, तो हम तीनों अपने परिवार को बचाने आए हैं और सचमुच हमने बचाया है खुद रिक्वेस्ट करके मज़दूरों से. जी नंद किशोर तो नंद किशोर हैं और जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं, और उन्होंने फिर भी हमें नहीं वापस एक्सेप्ट किया और दादाजी बहुत मायूस होकर, करण भी बहुत मायूस होकर अंदर चले गए वापस. जी दादाजी तो आई थिंक हर घर के एक सबसे आइडियल दादाजी होंगे. मुझे लगता है ऐसे दादाजी हर परिवार में होने चाहिए क्योंकि बहुत इज्जत देते हैं औरतों को जो मिलनी चाहिए उनको. तो दादाजी तो एक्सेप्ट करते ही हैं हमें, और आई थिंक उनकी तबीयत भी इसके बाद से ख़राब होने लग जाएगी क्योंकि वो बहुत मिस कर रहे हैं घर की श्री को, जो उन्होंने बोला अभी उनका घर श्रीहीन हो गया. पर आगे बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हैं, इससे तो दादाजी को कुछ होने नहीं देंगी नैना मेघना. मेरा तो सब सेट पे ही हो जाएगा, घर पे होती तो करती, पर यहाँ पर हम जो आपके साथ थोड़े बहुत सेगमेंट्स कर रहे हैं हमारी नवरात्रि तो वही है. अगर मौका मिले तो गरबा खेलने ज़रूर जाऊँगी क्योंकि मैंने वो कभी नहीं किया और बहुत एक्साइटिंग लगता है मुझे, तो अगर मौका मिले तो ज़रूर जाऊँगी. वेलकम. और ये हुआ है कि जो मज़दूर हैं इनकी कुछ मांगें पूरी नहीं हुई है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि ये हुआ क्या है. एक्चुअली भारत इंडस्ट्रीज़ की एक यूनिट में, या ये कहें कि एक यूनिट कह सकते हैं, उसमें आग लग गई थी जिस वजह से ये लोग परेशान हैं. जब वो पूरी फैक्ट्री जल गई तो अब ये करें क्या, बहुत लोग घायल हुए थे, ऐसा कुछ सीन है. तो ये सारे यहाँ पे अपनी कुछ मांगों के साथ आए थे और इनके सर एज़ यूजुअल गुस्सा करते हैं, तो फिर उन्होंने पथराव किया उनका, उन इनके सर ने जो गुस्सा किया उसके बदले में फिर सारी बहुएँ ऐसे आके बीच में खड़े हो गए, नहीं आप प्लीज़ ये मत कीजिए, गुस्सा हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता. नैना ने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया कि अगर किसी को कोई ज़ख्मी हुआ है तो उसकी मदद की जाएगी, और अगर बिल्कुल काम नहीं कर सकता तो उसके लिए उसका उसके उसका उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी इनकी होगी. तो नैना आई गेस बींग द यंग बहू ऑफ दैट, सॉरी बींग द ओनली बहू ऑफ दैट फैमिली राइट नाउ, ही हैज़ गेट कॉल ले सकती थी और मैं सब कुछ बता चुकी हूँ सीन के बारे में आपको. तो ये हुआ है और फिर पथराव बंद हो जाते हैं. एक्चुअली मैंने बहुत सालों से नवरात्रि में कुछ खास नहीं किया. मम्मी व्रत करती हैं कुछ, फर्स्ट डे एंड एथ डे ऐसा कुछ उपवास करती हैं, मुझे तो वो भी नहीं होता. तो मैं यही करती हूँ, आते जाते मैं देखती हूँ हर जगह, कहीं पर दुर्गा स्थापना होती है तो कहीं पर गरबा खेला जाता है. ऑफकोर्स गरबा तो एवरीवन नोज, तो मुझे गरबा खेलना बहुत पसंद है क्योंकि बचपन से मैं वापी में पली बड़ी हूँ तो वहाँ पर मैं खेला करती थी. तो मुझे शौक है, अगर डांस की बात की जाए तो एक ही डांस फॉर्म है जिसमें मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, वो गरबा डांडिया है. तो इसलिए मैं एंजॉय करती हूँ, लेकिन मैं कई सालों से जा नहीं पाई. इस बार हम प्लान कर रहे हैं ऑल ऑफ अस, जो निर्मला है, नैना है, हम सब प्लान कर रहे थे कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली जाएंगे गरबा खेलने के लिए. सो दैट्स माई आइडिया दिस ईयर. फैंस को बस माता रानी के दिन चल रहे हैं, उनके त्यौहार चल रहे हैं, वैसे तो हर दिन उनका ही है, सिर्फ ये 9 दिनों में कुछ वैसा नहीं मानती मैं कि यही 9 दिन उनके हैं, लेकिन उनसे प्रार्थना करती हूँ आप सबकी खुशहाली के लिए, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए, खुशियों के लिए, एंड बी हैप्पी. प्लीज़ स्वाभिमान भी देखते रहिए और हमें भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए. थैंक यू सो मच.